तो अपने HDFC बैंक कल दिया था, लेकिन आज संजीव जी कुछ और एक इन्वेस्टमेंट पिक अगली एनिवर्सरी के लिए, अब से लेके अब नेक्स्ट एनिवर्सरी तक के लिए एक कोई इन्वेस्टमेंट पिक शानदार वाला हो जाए। नहीं, मैंने आपको कल देखिए देवयानी और IGL भी कहा था, आपने पूछा था फूड सर्विसिंग और उसमें आई थिंक देवयानी इज अ सुपर ब्रांड और जिस तरह से उनकी रीच बढ़ रही है, मैंने आपको कहा था कोस्टा कॉफी इज बाइटिंग इनटू स्टारबक्स, KFC इज नाउ गिविंग यू अ वेजिटेरियन मील आल्सो एंड द शेयर ब्रांड इमेज ऑफ QSR इज ह्यूमंगस। देखिए वी कैन ऑलवेज कीप डिबेटिंग व्हाट इज हैपनिंग इन द US एंड लेट्स कीप वन थिंग करेक्ट निकुंज, जो US और यूरोप में हो रहा है 70 साल में नहीं हुआ। It doesn't mean we have to follow each queue. Yes, in the short run we will be there, but it's a very big change. Ke wahan pe higher yields and higher bonds will be there, and in India it could be the opposite. So look at the trend line of the next 3-5 years. Hamara sheer demographic premium hi hame outperform karayega, aur us karan se bure time mein ya unke yield badhne se agar aap nirash ho jaye, to that's part and parcel of the market. अब एक शेयर जो मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, मुझे जैसे नेस्ले और देवयानी, कल मैंने आपको IGL कहा था, इस भाव पे मुझे IOC बहुत पसंद है। यू सी GRMs विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग और भी आया है, इंडिया इज डूइंग मोर एक्सपोर्ट्स देन रशिया एज मच एज मोर देन चाइना आल्सो, और आपको पता है कि चाइना रशिया इंपोर्ट वन वी आर गेटिंग अ लीवरेज टू रिलायंस डजंट डू हार्ड, इट डजंट डू सॉफ्ट, इट डज हार्ड एंड यू नो सल्फर ओरिएंटेड, वेर एज IOC इज ऑफ मल्टी प्ले, और उसके बाद जो डिस्टिलेट अदर प्रोडक्ट्स हैं, IOC 90 रुपए में इज अ स्टील, मुझे IOC इज द स्टार फ्रॉम हियर टिल नेक्स्ट ईयर, यू मस्ट हैव दिस लार्ज कैप। द सेकेंड वुड बी वन एंड ओनली ICICI बैंक, मुझे लगता है ICICI एंड HDFC आर गोइंग टू लीड द मार्केट फ्रॉम टूडे, और ये लेने की चेष्टा कीजिए।